चुनावी मौसम में अब राजकुमार सैनी की लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी कांग्रेस के नजदीक नजर आ गई है। ये चर्चा इसलिए जोरों पर है क्योंकि राजकुमार सैनी ने पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया से मुलाकात की। चुनावी मौसम में अब एक और राजनीतिक दल की चर्चा शुरू हुई है। ये चर्चा बीजेपी के पूर्व सांसद और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी सुप्रीमो राजकुमार सैनी से जुड़ी है। सियासी करियारों में अब इस बात की चर्चा जोरों पर है कि एलएसपी सुप्रीमो राजकुमार सैनी और कांग्रेस पार्टी की नजदीकियां बढ़ने लगी हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजकुमार सैनी अगर कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े नजर आए तो हरियाणा का जातिगत चुनावी गणित पूरी तरह बदल जाएगा। राजकुमार सैनी को साधने में अगर कांग्रेस पार्टी कामयाब हुई तो ओबीसी और दलित वोट बैंक में बड़ी हिस्सेदारी कांग्रेस पार्टी के खाते में देखने को मिल सकती है। जानकारी के मुताबिक एलएसपी सुप्रीमो राजकुमार सैनी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया से मुलाकात कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी का गणित अगर राजकुमार सैनी के साथ सही बैठता है तो फिर हरियाणा में जाट और गैर जाट का चुनाव एक अलग ही दिशा में मुड़ता नजर आएगा। देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी राजकुमार सैनी को अपने मंच पर खड़ा कर पाने में कामयाब होती है या नहीं। राजकुमार सैनी अगर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए तो फिर कांग्रेस पार्टी उन्हें बड़े गैर जाट चेहरे के रूप में लोकसभा के चुनावी मैदान में भी उतार सकती है। कांग्रेस पार्टी में अपनी संभावनाओं को लेकर राजकुमार सैनी ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज़। तो लोकसभा चुनाव के घमासान के बीच एक और ये खबर, जहां कांग्रेस का हाथ जुड़ सकता है राजकुमार सैनी के साथ। राजकुमार सैनी कांग्रेस के साथ जाते हैं तो सियासी गणित बिगड़ सकता है। दीपक बावरिया से राजकुमार सैनी की मुलाकात भी हो गई, बड़े नेताओं के संपर्क में लगातार वो दिखाई दिए। भूपेंद्र हुड्डा से भी मुलाकात राजकुमार सैनी ने की। अब उनका कांग्रेस के साथ जाना क्या बीजेपी के लिए डेंट हो सकता है, ये सियासी हलचल के बीच सवाल हरियाणा में तैर रहा है। दीपक बावरिया से मुलाकात की राजकुमार सैनी ने तो चर्चाएं हो गई कि क्या राजकुमार सैनी और उनके तमाम कार्यकर्ता अब कांग्रेस के साथ हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उन्होंने मुलाकात की। कांग्रेस में सियासी हलचल तेज हुई है। हरियाणा कांग्रेस में राजकुमार सैनी की कांग्रेस के साथ नजदीकी और उसके बाद ये सवाल कि कितना फायदेमंद कांग्रेस के लिए राजकुमार सैनी का जुड़ना हो सकता है।